अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग पार्ट 6 में हैं इस बिगेनर मेट्रो बस स्टेशन क्रिएशन सीरीज में। तो इसके अंदर इस पार्ट के अंदर हम लोग जो इसका ये बैकड्रॉप है ये सूरज और ये जो है समंदर और ये वल्केनो, मैं कोशिश करूंगा इसी ट्यूटोरियल में फिट इन कर दूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल सीरीज कुछ ज़्यादा ही लंबी बनती जा रही है। तो ये पार्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा ये सब कुछ कवर हो जाए, और लास्ट पार्ट के अंदर जो है हम लोग जो इनके मटेरियल्स हैं वो और एनिमेशन कर लेंगे। तो अभी के लिए उस पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे थोड़ा दूर रखते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उसका नाम मैं रखूंगा इन्वायरमेंट, सेलेक्ट करके और फिर शिफ्ट ए मैश प्लेन और उसे करें S/50। तो मैं से काफ़ी नहीं लग रहा, S/100 भी इनफ नहीं लग रहा, उसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना आई थिंक काफ़ी है, ये सारा कुछ कवर कर ले। फिर टैब दबा के रेट मोड में चल जाएँ, डब्ल्यू सब डॉट को क्लिक करें और फिर ये सब डॉट मेन्यू जो साइड पे ओपन हो गया है करें और इसे नंबर ऑफ कार्ड्स 50 कर लेते हैं हम लोग। ठीक, फिर टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाएं और फिर इधर एक ऐड मॉडिफाई करें, ठीक है, और डिस्प्लेस मॉडिफाई करें तो इसकी स्ट्रेंथ जो है 0.5 कर लेते हैं। ठीक, और इसमें मिडिल वैल्यू के बजाय इसका 1 कर लें ताकि नीचे वापस आ जाए। जी जेड से हमें चाहते हैं कि वेव जो है इतना ठीक है जो इसके जो पोल्स तक सही रहे, और फिर इधर यहाँ पे न्यू क्लिक करें। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट इससे ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू अपने टेक्सचर सेल्स में चल जाएं और क्लाउड्स ऐड कर दें, और इसका जो है साइज 0.1। हम लोग ये एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी सारी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से इतना या क्लाउड्स के बजाय बल्कि थोड़ा हम लोग बेसिक क्राइटेरिया चले जाते हैं, हम लोग नॉइस टेक्सचर इस्तेमाल कर लेते हैं या वो रॉ नॉइस। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज करते हैं, लेकिन साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर दें, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं थोड़ी वेव सी क्रिएट हो जाए। और फिर इसके ऊपर ऐड मॉडिफायर करें, सब डिविजन सरफेस अप्लाई करें। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं उससे रिपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर में चाहिए इसके लिए, और वीपोर्ट के अंदर 2 कर दें, उसकी सेटिंग्स टेक्सचर पर वापस आ जाएँ, कोरोना के बजाय क्लाउड्स पे वापस चले जाते हैं हम लोग। ठीक, और जो इसकी सेटिंग्स है वो मिड लेवल के बजाय 0.5 वापस कर दें, या वापस ऊपर आ गया, और स्ट्रेंथ जो है वो 0.2 कर देते हैं। तो ये देखिए बैठे बैठे थोड़े लगना शुरू हो जाएंगे, 0.2 भी मतलब बहुत ज़्यादा, 0.1 आई थिंक सही रहेगी। तो जो सुंदरी लहरों वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी आप सेटिंग्स थोड़ा मैसअप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, डिपेंड कर रहा होता है वैसे कि जिन्हों आपने सर पर सारा कुछ एग्जैक्टली मीटर शायद नहीं किया होगा, तो उस हिसाब से फर्क पड़ जाता है, लेकिन साइज चेंज करने से भी अलग चीज़ें आती हैं। 0 के ऊपर देखें स्ट्रा भी लग रहा है, तो इसे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे हम लोग, स्मूथ करेंगे और इसे एक नया मटेरियल भी दे देते हैं हम लोग, वो गेन प्लेस होल्डर होगा, तो उसका नाम मैं सी रख देता हूँ, और वो सिंपली मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि गेन मैंने कहा था हम लोग बाद में प्रॉपर्टी के सब मटेरियल एक अलग पार्ट में क्रिएट करेंगे। सेकेंड चीज जो है वो करेंगे हम लोग सर सन है, वो तो मतलब बहुत ईजी होगा, सबको समझ में आया क्या होगा, शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर करें। ठीक, उसे भी स्केल करें बाय 40 कर लें, 50 कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, शेड स्मूथ कर लें, उसके ऊपर अगर आपकी अपनी मर्जी है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करना है नहीं करना है, तो जैसे यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक, और उसके ऊपर अपनी मटेरियल काटें, उसका नाम रख लें सन, और उसका कलर उससे भी हम लोग एक मिशन मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका है ही बेसिकली सिंपल सा, ठीक है, मैं ऑरेंज सा रख रहा हूँ क्योंकि शाम का सीन में चाह रहा हूँ, और स्ट्रेंथ इसके भी के लिए मैं 5 रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं शायद बाद में एडिट करूँ बाकी पार्ट के साथ या नहीं, वो मुझे नहीं पता, तो मैं फ्रंट व्यू में अब जाके देखते हैं एक मिनट के लिए। ठीक हो गया, तो मटेरियल ऑब्वियसली हम लोग बाद में एडिट करेंगे सारों के, तो आप ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, अभी काफ़ी ये डिफरेंट है। जेड सॉलिड पर वापस चल जाए और फिर अब शिफ्ट ए मैश सिलेंडर क्रिएट करें। ठीक, और सिलेंडर की जो सब डिविजन्स हैं वो आई थिंक 30 ही इसके लिए ठीक है, क्योंकि काफ़ी लार्ज एरिया में जाएगा, तो उसे स्केल करें बाय 100। ठीक है, और टैब बैकेट मोड में चले जाएँ, टॉप वाला फेस और शिफ्ट बैकेट बॉटम वाला फेस एक्स फेसेस डिलीट कर दें। ठीक, और फिर से वापस एडिट मोड, टैब बैकेट मोड से बाहर आ जाएँ, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें और इसे फिर थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, और फिर से एस शिफ्ट सेट करके एस शिफ्ट जेड करके वैसे मेरी कीबोर्ड कीज थोड़ा मसला कर रही हैं, उस वजह से
ये शिफ्ट जेड करके इसे इस तरह मूव कर दें। तो अभी ये थोड़ा क्लिप हो रहा है क्योंकि हमने इसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ये देखिएगा। और थोड़ा सा वापस से यहाँ से देखने में ठीक लग रहा है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने ये सीन करना था, और फिर से एस जेड करके थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो अभी ये सारा कुछ तो सिंपली क्रिएट हो गया। ऐसे भी एक मटेरियल देते हैं, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं स्काई, क्योंकि ये हम लोग स्टाइलाइज करते हैं। जैसे ब्लेंडर खुद से स्काई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं साइकिल्स में, ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्टाइलाइज व्यू में जा रहे हैं, इस तरह की स्टाइलाइज है, तो इस वजह से हम लोग इसमें कर रहे हैं। वैसे भी बिगिनर सीरीज है तो आपके लिए ये बेहतर है, क्योंकि स्काई स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अभी गए तो ज़रा मसला होगा। तो अब आखिरी चीज़ जो है वो वॉल्केनो रह गई है, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएं एडिट प्रेफरेंसेस। अब आमतौर में एडन्स प्रेफर नहीं करता, लेकिन आपको बताना चाहिए एडन्स क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो पहले हमने इमेजेस प्लेन वाला यूज किया था, तो इस वाले को हम लोग अब एडन्स वाले साइड पे आगे क्लिक करें और लिखें एंड टी एंड, और फिर एंड टी के टेबल के लैंडस्केप लिखें, ठीक है। तो एड मैश एंड लैंडस्केप वाला एडन ऐसे यू टिक कर दें, ठीक है, तो इनेबल हो जाएगा। तो उसके अंदर जाए शिफ्ट ए मैश, नीचे चले जाएं, ये लैंडस्केप वाले ऑप्शन होगी, इसे क्लिक करें, ठीक। तो अभी ये काफ़ी नीचे चला होगा, मुझे चाहिए था मेल से, मैं सब कुछ बाकी हाइड कर देता हूँ। तो अभी मैं बाकी से ऐड हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग उसे क्लियरली देख सकें। ठीक है, देखें एक वॉल्केनो से बनी आ गई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और कैपेबिलिटीज हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो अभी ये देखें वॉल्केनो कैनियल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह क्रिस्टलाइन क्या क्या वो सारी हैं बिल्ट इन है, स्टार्टिंग के लिए आपके लिए अच्छी होगी। तो वॉल्केनो को सिलेक्ट कर लें, ठीक। तो अब उसने एक ये आई डोंट नो क्यों स्ट्रगल हो रहा है, आई थिंक 2.83 काफी ग्लिच कर रहा है। तो वॉल्केनो को सिलेक्ट कर लें, तो उसकी रैंडम सीड वैल्यूज भी होती हैं, मतलब एक ही आपको नहीं मिल रहा उसके अंदर, आप जब भी आपसे चेंज करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएंगे लैंडस्केप्स, ठीक हो गया। ये अगेन मैं जब भी वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ किसी वजह से ये बार बार सब कुछ ऑन करता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या मसला है। तो अभी मैं रैंडम सीड वैल्यू 8 जो है उसी के साथ जा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अभी क्या लोग ये करेंगे और इसे सिलेक्ट कर दें, जो लैंडस्केप ऐसा सेलेक्ट करें, ठीक है, न्यू मटेरियल करें, और इसे हम लोग कह दें कि वॉल्केनो अभी के लिए वॉल्केनो, और इसे मैं अभी के लिए बेस कलर हल्का सा ब्राउन सा दे देता हूँ, ब्राउन स्टेप देता हूँ। मैंने पहले आपको बताया था हम लोग बाद में सारे कलर डालेंगे। तो स्टेशन वगैरह हम लोग सब कुछ वापस विजिबल कर लेते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग स्केल करके बड़ा कर लेते हैं, और फिर जी जेड से नीचे ले चलते हैं। और ये सिलेंडर जो है इसे ग्रीन नेम करके स्कार लिख देते हैं, मैं स्कार लिखना भूल गया, और इसे हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। तो जो लैंडस्केप है उसे सेलेक्ट करें और इसे मूव करके यहाँ पे ये सन के करीब करीब और इसके दरमियान यहाँ पे कहीं ले आए, ताकि आप लोग इसे इस तरह देख सके, ठीक हो गया। तो ये अब इसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे आपको जैसे नजर आए थे या नहीं आए थे, हमने छोटे छोटे से दरख्त भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो है हम लोग इमेजेस प्लेन भी यूज किया था। तो पहले सबसे पहले हम लोग वॉल्केनो को पहले डेसिमेट कर लेते हैं, ठीक है, एड मॉडिफायर करें और डेसिमेट मॉडिफायर करें। डेसिमेट मॉडिफायर बेसिकली करता है कि वो उसकी सब डिविजन काफी कम कर लेता है। अभी मैं टैब दबाकर इस वॉल्केनो का एडिट मोड वगैरह दिखाता हूँ, तो देखिए बहुत ज्यादा हाई पॉली, हम लोग इतना नहीं चाह रहे सही हो। तो अभी इसका कोलैप्स और रेशियो काफी कम कर दें, इतना कि उसकी शेप मतलब सही लगे देखने में, शेप देखें उसकी थोड़ी बहुत हल्की बिल्कुल चेंज हो रही है। अभी जब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अब तक वो मॉडिफायर अप्लाई होगा नहीं। तो अभी के लिए हम लोग इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और अब हम लोग इसे जो है ना वेट पेंट करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दरख्त सिर्फ सामने वाली इससे पे हो। मैंने कहा था ना कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट हम लोग चाह रहे हो, तो हम लोग वेट पेंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो। वॉल्केनो को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मोड में जाके वेट पेंट की तरफ चले जाएं, और फिर इसको ये जो इसका रेडियस आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो मैं इसे चेंज करके 30 पिक्सल कर सकता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी इसका रेडियस वगैरह और वेट चेंज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे बस जो है ना थोड़ा सा जो इसका हिस्सा है ये फ्रंट वाला एरिया पोर्शन जो है यहाँ इसे यहाँ पे वेट वेट कर लेता हूँ। रेड वाला हिस्सा का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम वेट वहाँ पे है, ब्लू का हिस्सा वहाँ पे जीरो वेट है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली एक वर्टेक्स रूप उसने हमारे लिए इसके लिए क्रिएट कर दिया होगा, ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो गया है। तो अब हम लोग इसके ऊपर अब हम लोग बोलते पहले वो जो है रिट्री वाला है वो इमेज हम लोग कर लेते हैं। तो शिफ्ट ए करें, इमेज रेफरेंस इस बार नहीं करना, इमेज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वो आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप सारी इमेजेस में रखी हुई है। और इससे पहले हम आगे जाएं इमेज को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं इमेज टाइप सी हो। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी वो इमेज पड़ी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं
सी ट्री के नाम से वो इमेज थी, तो उसे मैं थोड़ा सी ट्री के नाम से जो इमेज थी उसे मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम लोग हाइड कर देते हैं क्योंकि इस तरह देखने में काफ़ी मसला हो रहा है। मटेरियल प्रीव्यू में चले जाते हैं, तो इसे हम लोग अब सीधा कर देते हैं, RX90 RZ90। तो ये देखिए अब स्टफ ये फेसिंग है, तो आप जो वर्किंग से सेलेक्ट करें, ये जो है ये जो तीन प्रॉन्ग्स वाला सिस्टम बना हुआ है इसे क्लिक करें और ये पार्टिकल सिस्टम इसमें ऐड कर दें। ठीक, ये थ्रस्ट लोड होना जा होता जा रहा है, तो मैं जो है ये जो सी है इसे भी मैं भी हाइड कर देता हूँ, ये भी काफ़ी हमारी स्पीड डिक्रीज कर रहा है सिस्टम की। इसको सिलेक्ट करें सी को टैब दबाकर एडिट मोड में चल जाए, सब कुछ सिलेक्ट और जी जेड दबाएं ताकि ये जो इसका ओरिजिन है वो यहाँ पे नीचे हो उसके। ठीक, क्योंकि बाद में आपको तो प्रॉब्लम करेगा वो वरना। तो इसे सिलेक्ट करें वोल्केनो को, पार्टिकल सिस्टम है उसके इमिटर के बजाय आप हेयर करें, इमिटर का इस्तेमाल होता है, मैं वो सिंपली दिखा रहा हूँ। जब आप चाहते हैं बारिश वारिश या स्टार टाइप के कोई डीप से इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं या स्पार्कल देना चाहते हैं तो तब क्रिएट होते हैं। ठीक, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, काफ़ी दूर है इस वजह से ना, तो वो बेसिकली जब पार्टिकल्स रेन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग उसके बजाय भी हेयर इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, और मैं सॉलिड पर वापस आ जाता हूँ। नंबर है वो काफ़ी डिक्रीज में करूँगा, मैं कोई 50 एक रखूँगा। ठीक, सबसे नीचे चल जाएँ जो वर्टेक्स ग्रुप्स है वहाँ पे लेंथ वाले के अंदर ग्रुप को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने जो बनाया था उसके अंदर वेट पेंट किया था वो उसके नाम ग्रुप ही था, अब कोई नाम भी रख सकते हैं लेकिन अभी हम लोग ये करते हैं। ठीक, तो रेंडर एस पाथ के बजाय आप करें ऑब्जेक्ट को। ठीक, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो क्लिक करके ये जो है इसे सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, सी ट्री, तो अब उसका जो स्केल है हम लोग को चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें तो। आई थिंक जो वोल्केनो है इसे हम लोग लो पॉली कर ही लेते हैं तो बेहतर है। इसके बाद जब डेसिमेट मॉडिफायर वो अप्लाई में कर रहता हूँ ताकि इसका साइज और छोटा हो जाए। वो देखो ट्रीज वेब शो होना शुरू हो गया हमारे, तो अब हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ट्रीज को थोड़ा ओवर साइज में इंक्रीज करते जाएँ जितना आपको ठीक लगता है, वैसे इतना काफ़ी। और अगर स्केल रैंडम करेंगे तो उनकी वैल्यूज रैंडमाइज हो जाएंगी, मतलब साइज रैंडम हो जाएगा। तो मैं 0.3 रैंडमाइज कर रहता हूँ और स्केल 0.35 कर लेता हूँ, थोड़ा सा उनके साइज डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे। तो अब इसे मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि चुपाने, अभी आप मटेरियल प्रीव्यू में चल जाएं तो ये देखिए आपको वहाँ पे ड्राफ्ट नज़र आ रहे हैं। तो अगेन मैंने कहा था कि थोड़ी हल्की फुल्की डिटेल होगी, तो पार्टिकल सिस्टम से आप काफ़ी कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए चलें यही ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है मटीरियल्स सारे जो है वो क्रिएट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा जो ये समंदर की एनिमेशन थी वो भी मैं उस पार्ट के अंदर फिनिश कर दूँ तो बहुत बेहतर होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगर जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।